हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैम फैशन हब। तो आज है थर्सडे, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल ब्लॉग शेयर करूंगी। जैसे कि बिहार में आज मनाया जाता है जूड़ शीतल, तो यहाँ जूड़ शीतल में क्या सब होता है और ये किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। और आज पूरे दिन का ब्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी सबसे पहले तो आज मॉर्निंग हो चुकी है, अभी बज रहे सुबह के 7 और आप देख सकते हो बाबूलाल भी उठ गया है और बस अभी से थोड़ी सी घूमी घूमी करनी है। तो इसे अभी जो है गोद में लेके मैं आंगन में आई हूँ। और पूरे दिन में मैं क्या सब कर रही हूँ और ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है, कैसे पूजा होता है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सो लेट्स गो। तो अभी आप देख सकते हो बाबू का अभी सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो है, मॉर्निंग मालिश हो रहा है और बाबू अच्छे से इसे एंजॉय भी कर रहा है और दादी से अच्छे से मालिश करवा रहा है। तो बस बाबू साहब का यही है, जगो फिर अच्छे से मालिश करवाओ। तो बस अच्छे से मालिश होने के बाद अब आगे की जो भी रूटीन है मैं आगे शेयर करूंगी। जैसा कि आज सतुवानी भी है तो आज हमारा सत्तू खाने का बहुत ही चलन है और खाया ही जाता है। तो आज देख सकते हो सब नाश्ते में सत्तू ही चल रहा है। तो यहाँ सत्तू लेकर के इसमें अभी नमक, चीनी और साइड में अचार। तो बस आज के नाश्ते में यही चलने वाला, सत्तू मिर्ची अचार। और आज सतुवानी है तो सब लोग घर में जो है सत्तू ही खाएंगे, सब लोग अपने अपने तरीके से पसंद से खाएंगे। तो ये भी सुबह सुबह पापा जी का नाश्ता लग रहा है। तो आज के जूड़ शीतल में आप देख सकते हो इस तरीके से सबसे पहले जौ को चून करके और इसे पीसा जाता है और फिर। तो चलिए हम अभी आपको बताते हैं कि ये जूड़ शीतल क्यों होता है हमारे बिहार में। तो उसका स्टोरी जो है अभी आपको माँ बताएंगी। इसका स्टोरी है, दुर्गा पूजा में जो कलश बिठाता है जौ के लिए, तो उसको कोई ऋषि मुनि भेजा था जौ लाने के लिए। तो वो जौ लाने के जो गया तो गया ही रह गया, यह पर्व करके धूप शीतल करके तब वह जौ लेके आया था। इसीलिए जौ का जो है सत्तू चढ़ता है, देवी देवता को चढ़ाया जाता है, यही चढ़ा के तब फिर आया था, यही जानते हैं। और आज सतुवानी भी है तो आज सत्तू खाया जाता है पूरा सब लोग। हाँ, आज सतुवानी है, यही जूड़ शीतल जिसको बोलता है, जिसमें यही जौ का बहुत जगह जो है सत्तू चढ़ता है। हम लोग इसको इसे कच्चा को ही पीस के इससे आटा निकाल के गुड़ दे के उस पर टिकोला दे के उस पर सिंदूर और लगा के फिर कलश दे के चढ़ाते हैं इसके। अभी देख सकते हो अब इस जौ को इसमें मिक्सी में अच्छे से पीस रही हैं। आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये जौ का आटा बहुत अच्छे से बन गया है, साथ में ये गुड़ है और इससे ही अभी पूजा होगी।
आ चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि आज सत्वानी है, यानी कि आज सत्तू खाना नेसेसरी होता है, तो मुझे तो सत्तू खाना पसंद नहीं है, तो मैं जा रही हूँ सत्तू का शरबत बनाने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि सत्तू का शरबत हम लोगों की साइड कैसे बनता है। तो मैं बस उसे ही ब्रेकफास्ट में लूंगी और उसके बाद फिर खाने का प्रिपरेशन भी करना है। देख सकते हो यहाँ खाने की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये साग बन रहा है, ये पटुआ का साग है, पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हो, लेकिन हमारे साइड ये इस तरीके से बनता है। और मैं अभी जा रही हूँ सत्तू का शरबत बनाने, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। अभी अब जा रहा है सुब बाबू को बांध देने के लिए। तो उसके फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं एक हमेशा उपकरण यूज करती हूँ, तो मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके भी घर में छोटा बेबी है और अगर आप ये उपकरण यूज करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो मैं बताती हूँ कि आपको उसमें क्या क्या चीज चाहिए। आपको उसके लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा चाहिए, तो आप बिल्कुल अच्छा सा लीजिएगा क्योंकि इसको बेबी के फेस वगैरह पे भी लगाना है, तो जिसमें नमक वगैरह कुछ भी यूज नहीं हुआ। तो मैंने ये फ्रेश देखिए अब गेहूं का आटा ले लिया है। उसके साथ आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी लेना है, तो मैंने देखो थोड़ा सा हल्दी यूज किया है। दोनों को मिक्स करने के लिए मैं जो है फ्रेश मलाई यूज कर रही हूँ। आपको ट्राई करना है कि ये दोनों मलाई से ही अच्छा सा एक डो बन जाए। तो मैं बिल्कुल फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ जो कि दूध के ऊपर अभी पड़ा हुआ है, तो देख सकते हो इस तरीके से लिया है। और मैं इसे मिलाते हुए एक अच्छा सा डो रेडी कर लूंगी। मैंने इसे मलाई के से ही बिल्कुल अच्छा सा एक डो बना लिया, इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से डो रेडी कर लिया है। अब जो है मेरा मुंह देख देख के हंसता है। और अब जो है मैं इसके साथ थोड़ा सा साइड में ऑलिव ऑयल ले रही हूँ और इस डो में डो को अच्छे से कर लेना है। इसके टू पार्ट कर लीजिएगा, एक अगर आप फेस पे यूज कर सकते हो और एक से आप बॉडी पे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बकलू ना तुमको नहीं बोलना है बेटा। हाँ क्या हाँ, अब जैसे मैंने ये छोटा सा एक पार्ट ले लिया, अब इसे ऑयल में अच्छे से डिप करते हुए आपके बेबी के फेस पे जहां भी फेशियल ऑयल है, फेशियल हेयर है, उसे वहां पे इसे अच्छे से इसे टर्न टर्न करके मूव करते रहना है। और इसे बिल्कुल जेंटली करना है क्योंकि बेबी का स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी हार्श मत कीजिएगा और बिल्कुल जेंटली इसे मूव करते रहना है। तो इस तरीके से अगर आप वीक में एक बार भी दो बार भी इसे करते हो तो बहुत जल्दी जो है फेशियल हेयर आपके बच्चे के रिमूव हो जाएंगे और आपके बेबी का स्किन भी काफी अच्छा मॉइस्चराइज रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने फ्रेश क्रीम यूज किया है जो कि बेबी के फेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हो ये बुगलू हमको देख देख के हंस रहा है। अरे मेरा गुगलू ले, अरे मेरा गुगलू ले, अरे मेरा मिटलू ले, तू ये बाबू हाथ पकड़ना छिक गया, मेरा बेटा हाथ पकड़ना छिक गया बाबू बाबू। और मैं सच बता रही हूँ ये रेमेडी बहुत अच्छा है फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। तो अगर आप भी अगर इसे ट्राई करना चाहते हैं तो 100% श्योर इसे ट्राई कीजिएगा। लेकिन कोई भी रेमेडी यूज करने से पहले कंटिन्यू मेरे साथ ही बोल रहा है, तुमको नहीं बोल रहा बेटा। अगर आप लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोई भी रेमेडी यूज करने से पहले आप किसी भी बेबी के पैच वर्क कर लीजिए, किसी हैंड में या कहीं पे भी इसे यूज करके देखिए, अगर कोई दाना वगैरह नहीं निकलता है तो ही आप इसे यूज कीजिए। तो मेरी बेबी के लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहा है, तो मैं इसे यूज करती हूँ। हाँ बेटा हम यहाँ पे से बात कर ले बेटा। क्या
तो अभी आप देख सकते हो कि खाने में कटहल आलू का सब्जी बन रहा है। तो इसे अच्छे से अभी कटहल आलू को जो है कट करके इसे तेल में अच्छे से फ्राई किया गया है। प्लस ये जो है स्पेशली बिना लहसुन प्याज का बन रहा है, तो इसको देख सकते हो बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद ये एक मसाला पेस्ट तैयार किया गया है, जिसमें कि सौंफ, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी प्लस थोड़ा सा पोस्ता दाना है, जिसे अच्छे से पेस्ट बना लिया गया है। और अब देख सकते हो बाबू भी नहा के अच्छे से रेडी हो गया है। बस अब ये थोड़ा सा खेलेगा, उसके बाद चाहे तो फिर सो भी जाए, उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन अब ये देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो गया और बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो बताना मेरा बाबू भी कितना प्यारा सा लग रहा है। देख सकते हो यहाँ पे सब्जी के लिए फिर से तेल में थोड़ा सा प्याज काट के डाला है, दो लगभग प्याज है, और प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, बिना लहसुन प्याज का बन गया है। उसमें फ्राई होने के बाद जो पिसा हुआ मसाला था उसे डाला, प्लस सूखा सारा मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करके अभी कुकर में डाल दिया और दो सीटी के बाद इसे बंद कर देना है। तो ये कटहल का सब्जी तैयार हो गया और इधर ये प्याज वाला भी बन रहा है। अब देख सकते हो प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है और ये जो है कटहल आलू जो पहले से फ्राई करके रखा था उसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें आप देख सकते हो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा और धनिया का पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हल्का सा फ्राई करना है मसाले के साथ। आप देख सकते हो मसाला काफी अच्छे से फ्राई हो गया है। बस अब इसमें ग्रेवी डालना है और साथ में गरम मसाला, और बस दो विसिल तक वेट करना है, फिर सब्जी बनके रेडी है। आप देख सकते हो इसमें मैंने ग्रेवी डाल दिया है और बस अब दो सीटी इसमें लगाना है। और आप देख सकते हो बिना प्याज लहसुन का भी कटहल का सब्जी बनके रेडी, और ये देखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, पक गया है। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाओगे तो काफी ज्यादा टेस्टी लगेगी, तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई करना। आप देख सकते हो अभी नाश्ते में जो है सिका हुआ लिट्टी और बैंगन का चोखा यहाँ पे रेडी है। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बैंगन का चोखा और सिका हुआ लिट्टी बन रहा है, जो कि हमारे बिहार का बहुत ही एक फेमस सा डिश है और ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो जब खाएंगे तो मैं सबसे पूछ के भी बताऊंगी कि आज कैसा बना था। तो चलिए पूछ के बताते हैं कि कैसा बना है लिट्टी चोखा। तो सबसे पहले जो है मेरे जो देवर जो काफी दिन के बाद आए हैं उनसे पूछते हैं, तो बताइए कैसा लगा आपको आज का लिट्टी और चोखा? बहुत बेस्ट हो रहा है। सच बोल रहे हैं तू? नहीं, नहीं, और आप बताइए आपको कैसा लगा? बढ़िया बना। तो ऐसा रहा मेरा आज का पूरा दिन। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियोस काफी पसंद आया होगा। तो कल है सिरवा पर्व, जिसे कि बासी पर्व भी बोला जाता है। इसमें सुबह बना के रात तक खाते हैं, तो मैं उसका भी ब्लॉग कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक्स माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल बटन। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। Thank you.